आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज का वीडियो हमारा कोरोना महामारी के ऊपर है। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे इस समय पूरे विश्व में कोरोना तेज़ी से फैल चुका है और लगभग दुनिया के 200 से अधिक देशों में बुरी तरह से अपना प्रभाव कर चुका है। और आपको इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम बता देते हैं कि लगभग 30 लाख से अधिक लोग पूरे विश्व में इस बीमारी से बुरी तरह से संक्रमित हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगभग मरीजों की संख्या 11,000 के पार पहुँच चुका है और मरने वालों की भी संख्या लगभग 500 के करीब हो चुकी है भारत में। तो हमारा प्रथम उद्देश्य ये रहेगा कि इस बीमारी से हम लोग कैसे बचें। तो इस बीमारी के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप कभी भी घर से कहीं निकलते हैं, कहीं भी जाइए, आप बिना मास्क के ना जाइए। वो मास्क कैसा भी हो, आप देख रहे होंगे ये मास्क है, चाहे घर पे बना हुआ हो, कोई भी मास्क हो, एक मास्क अपने साथ ज़रूर लेकर जाइए। और दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ कर मेरा ये आग्रह है कि आप लोग, जैसे कि हम सभी हम अपने दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं, पर मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि कुछ हफ्तों तक, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल दूसरी लॉकडाउन का फैसला लिया, उसका पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और कुछ दिनों तक दूसरे लोगों से अपने आप को अलग रखिए और अपने आप को, एरिया को, अपने विलेज को, अपने जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, एकदम उसको पूरी तरह से आप लोग सील करके रखिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना से एकदम बच के रहें। हमारे गाँव में जैसे शहर के मुकाबले लोग काफ़ी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और यहाँ पर लोग काफ़ी, मरीजों की संख्या कम है, पर अगर गाँव में अगर ये फैलना शुरू हो गई तो स्थिति बहुत ही भयावह हो सकती है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है दोस्तों कि मेरी विनती स्वीकार करें और अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।